हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। हम लोग NCERT समरी के सीरीज़ में पॉलिटी क्लास 6 को देख रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो बन चुकी है जिसमें हम लोगों ने पहले अध्याय को डिस्कस किया था। आज हम लोग दूसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे जिसका कि शीर्षक आपको दिख रहा है, विविधता एवं भेदभाव। और मैं बता दूँ कि इसकी जो प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आगे भी अपलोड होने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे आसानी से। प्लेलिस्ट में अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आप उसे वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले अध्याय में विविधता कीवर्ड को समझ लिया था। अब इसमें हम लोग विविधता और भेदभाव को सम्मिलित रूप से समझेंगे। यहाँ भारत की विविधता के विषय में थोड़ा सा कुछ फैक्ट दिया हुआ है जिससे आप समझ पाए कि भारत सच में कितना विविध है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। बताया जा रहा है कि भारत में लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं। जो है 8 प्रकार का बताया जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, एक और कुछ होता है जो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो भारत में लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि जो ये 1600 से अधिक भाषाएं हैं, किसी न किसी की मदर टंग है, या फिर कह सकते हैं मातृभाषा है। आप समझ अब इससे समझ सकते हैं कि भाषा के स्तर पर कितनी अधिक विविधता है अपने देश में। 100 से भी अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं अपने देश में। लोग जो है नृत्य, अलग अलग प्रकार के नृत्य, कौन कौन से नृत्य। तो ये कुछ फैक्ट दिए गए थे जिससे हम लोगों ने ये समझा कि अपने देश में कितनी अधिक विविधता है। इतने विविधता के बावजूद भी हम सभी एकता से अपने इस देश में रहते हैं। अगला इस जो है चैप्टर में कीवर्ड आता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है इसे समझना है। देखिए, पूर्वाग्रह का मतलब है कि आप पहले से किसी के विषय में कोई राय बना लेते हैं, इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। और एक जो कीवर्ड है याद रखना है कि पूर्वाग्रह मैक्सिमम टाइम नकारात्मक के सेंस में जाता है। एग्जाम्पल को देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने आती है, ठीक है? तो ऐसा मतलब होने का ठीक ठाक चांसेस है कि अंग्रेजी ना बोलने वाले को आप अपने से कमतर समझे। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो अंग्रेजी भले ही ना जानता हो लेकिन आपसे बहुत अच्छा जानकार हो, हर एक क्षेत्र में आपसे ज़्यादा जानता हो, लेकिन आपने ऐसा पूर्वाग्रह मतलब बना लिया, आप ऐसे पूर्वाग्रही हैं कि इंग्लिश ना बोलने वाले को कम समझते हैं, जिसके कारण हर उस व्यक्ति को कम समझेंगे जिसे इंग्लिश ना आती हो, अंग्रेजी ना आती हो। तो इसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। बताया जा रहा है कि हम अनेक तरीके से पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धर्म के आधार पे, चमड़ी के रंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, बोलने के तरीका के आधार पे, कपड़े पहनने के तरीका के आधार पे। कहने का मतलब आप किसी खास धर्म को अच्छा मान सकते हैं, बाकी सभी धर्म को खराब मान सकते हैं, या फिर आप हो सकता है कि चमड़ी के किसी रंग को अच्छा मानते हो तो उससे इतर जो होगा उसे आप अच्छा ना मानेंगे। हो सकता है आप देश के किसी खास क्षेत्र से हो, उसे अच्छा मानते हो, दूसरे जगह को अच्छा ना माने, या किसी खास जगह को अच्छा ना माने। फिर किसी के बोलने का तरीका आपको पसंद ना आए तो वैसे बोलने वाले को आप अच्छा ना माने। तो ऐसा कुछ हो सकता है। इन सब जो है आधार पे आप पूर्वाग्रही हो सकते हैं, या कोई भी पूर्वाग्रही हो सकता है, ठीक है? चलिए, एक बात बताया जा रहा है कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव किया जा सकता है। जो एग्जाम्पल मैंने अंग्रेजी बोलने वाले बात में की, ये एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है लड़कियों का। आप पूर्वाग्रही हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, कमतर होती हैं, तो आप हमेशा लड़कियों को कमतर ही मानेंगे। और इसका जो है प्रोडक्ट ये निकल के आएगा कि लड़कियों के साथ हमेशा भेदभाव होते जाएगा, क्योंकि जो भी अच्छा काम होगा उसमें आप लड़कियों को हिस्सा नहीं लेने देंगे, हमेशा लड़के ही उसमें हिस्सा लेंगे। अब जब लड़कियां हिस्सा लेंगी ही नहीं तो कैसा पता चलेगा कि लड़कियां भी अच्छा कर सकती हैं? तो ऐसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव पूर्वाग्रह के कारण हो जाता है हमारे समाज में अक्सर, जो कि नहीं होना चाहिए। और अब समाज धीरे धीरे बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, लोगों की समझ अच्छी हो रही है, तो ये भावनाएं कम हो रही हैं। अगला जो अपना टॉपिक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। ये थोड़ा सा टाइपिंग की परेशानी है, रूढ़िबद्ध गलत लिख दिया गया है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। अब रूढ़िवादी क्या होता है, रूढ़िबद्ध क्या होता है, हमें यह समझते हैं। कहा जा रहा है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। कहने का मतलब आप एग्जाम्पल से समझिए कि आप किसी एक व्यक्ति से मिले, मान लीजिए कि आप जो है किसी अफ्रीकन कंट्री के व्यक्ति से मिलते हैं और फिर आपको वो अच्छा नहीं लगता है, चाहे देखने में, रंग के आधार पे, चाहे बात करने के आधार पे, और फिर आप ऐसा मन में अपना धारणा बना लेते हैं कि वहाँ का जो भी व्यक्ति होगा अफ्रीका का वो ऐसा ही होगा, सही नहीं होगा।
तो इसे ही कहते हैं रूढ़िवत धारणा बनाना। लेकिन रूढ़िवत धारणा में क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी अमेरिका के व्यक्ति से मिले, वो आपको काफ़ी अच्छा लग गया, तो आप ऐसा धारणा भी बना सकते हैं कि प्रत्येक अमेरिका का व्यक्ति अच्छा ही होता है। तो हम लोगों ने पूर्वाग्रह में पढ़ा, तो पूर्वाग्रह ज़्यादातर नकारात्मक होता है, बल्कि रूढ़िवत धारणा में आप जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, एक फैक्ट बताया जा रहा है कि अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, जबकि एक स्टडी दिखाता है, एक अध्ययन ऐसा दिखाता है कि गरीबी के कारण ऐसा होता है कि लोग अपने बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, मतलब कि लोग क्या कहते हैं, रूढ़िवत धारणा बना लिए हैं कि मुस्लिम लोग अपने बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहते, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को परेशानी है, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसके कारण वो अपने जो है लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं। आगे का टॉपिक आता है असमानता और भेदभाव। इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि जब भी हम पूर्वाग्रह या रूढ़िवत धारणाओं के आधार पर कुछ करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमेशा भेदभाव पैदा होता है। पहले एक जो है कीवर्ड समझ लीजिए, भेदभाव और असमानता। असमानता का सीधा मतलब होता है आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर होना, और भेदभाव का मतलब है कि आप किसी को कहीं किसी गतिविधि में भाग लेने से रोक रहे हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन आएगा तो समाज में क्या होगा, भेदभाव पैदा होगा। मान लीजिए आप पूर्वाग्रही हो के कि लड़कियां कमजोर होती है या अंग्रेजी ना बोलने वाला जो है हमसे कमतर है, अगर ऐसा सोच के आप कोई काम करेंगे तो क्या होगा, व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, लड़कियों को आप किसी भी अच्छे चीज में हिस्सा नहीं लेने देंगे, अंग्रेजी ना जानने वाले को आप किसी अच्छे काम में नहीं रखेंगे, जबकि हो सकता था अंग्रेजी ना जानते हुए भी जो जिस काम में आप लोगों को रख रहे हैं उसमें उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो ऐसा होने पे क्या होता है कि भेदभाव समाज में पैदा हो जाता है। फिर असमानता वाली भी बात है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, ऑफिस में जो निचले पद पे है उसको आप हमेशा कमतर समझेंगे या फिर हीन भावना से देखेंगे, जबकि हो सकता है वो किसी अच्छे काम को भी कर पाए, तो ऐसा कंडीशन आता है। इन सब चीज़ों से समाज में भेदभाव पैदा होता है। ठीक है, आगे बुक में एक वर्ड आता है दलित। ठीक है, दलित का क्या अर्थ है, दलित का सिंपल सा अर्थ होता है दबाया गया। जितने भी दलित लोग हैं वो इस वर्ड के माध्यम से, इस शब्द के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ समाज में कैसे हजारों साल से भेदभाव हुआ है, पूर्वाग्रह या फिर रूढ़िवत धारणाओं के कारण हमें दबाया गया है। और इस सच भी है, आप इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कैसे जो है उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था के माध्यम से निचले जाति को, लोगों को या फिर महिलाओं को कैसे दबाया गया। तो ये सारी बातें सच भी है, ऐसा है भी। चलिए आगे है कि भेदभाव का सामना करने पर, देखिए हम जाति व्यवस्था को देखते हैं तो ये एक सीढ़ी के रूप में दिखाई देता है। पहले क्या होता था, जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर ऊंची जाति के लोग रहते थे, अभी भी है, अभी भी समाज में ऐसा है, लेकिन अब उतना रिजिड नहीं है, अब धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं। जब लोगों में शिक्षा ज्ञान आएगा तो लोग इस बात को समझेंगे। पहले क्या होता था, जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर ऊंची जाति के लोग थे जो खुद को उत्कृष्ट कोटि के मानते थे कि हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, और सबसे नीचे इस क्रम में किसको रखा जाता था, अछूत को, जिसे लोग कहते थे कि ये अयोग्य है। ठीक है, आप भारत के एक बहुत ही महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपने सुना होगा। 9 वर्ष के उम्र में ही इन्होंने 1901 में इन सब चीजों का अनुभव किया था। आगे जाकर इन्होंने इतना अच्छा काम किया, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है इन्हें, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में ये जाने जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म से इनको कहीं ना कहीं दिल में चोट पहुंचा। आगे जाकर इन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। मतलब ये क्या दिखाता है, यही दिखाता है कि हिंदू धर्म में जो ये ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, भेदभाव, इन सब चीज़ों की जो बात है, ये कहीं ना कहीं निचले जाति को, महिलाओं को एक तरीके से दुखी इसने बहुत अधिक स्तर पर किया है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है समानता के लिए संघर्ष। देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वो सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, जब देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार होता था, सभी का अपना अपना सपना था, सभी ने अपने अपने सपने के लिए लड़ाई लड़ी, सभी धर्म जाति जो है के लोग जो है एक साथ मिलकर आज़ादी के लिए लड़ा, तो सभी का अपना अपना सपना भी था। लोग समझते थे कि देश आज़ाद हो जाएगा, सबको समानता, सबके साथ समानता का व्यवहार होगा, सभी को अपने अपने हक मिलेंगे, और ऐसा हुआ भी। जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान में सबके लिए समान अधिकार बनाए गए, सबको समान अवसर प्राप्त हो, ऐसे जो है मतलब एक्ट बनाए गए, पारित किए गए। अस्पृश्यता, जो कि छुआछूत वाला भावना था, उसे बिल्कुल
संविधान के अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दिया गया, कानूनी अपराध के रूप में आज उसे देखा जाता है। भले ही आप आज भी पाएंगे कि समाज के बहुत ही अंदर आप जाएंगे, ग्रामीण स्तर पे जाएंगे, तो कहीं कहीं अभी भी छुआछूत है, लेकिन अब ये खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है जो है इसे कानून के माध्यम से कानूनी अपराध भी बनाया गया है। तो वो हर एक काम हुआ जो लोगों ने सपना देखा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो लोगों के मन में था, आगे जाकर ऐसा हुआ। और परिवर्तन होने में समय तो लगता ही है, हजारों साल से जो ये स्थिति था, इसको बदलने में एकाएक तो बदल नहीं सकता, धीरे धीरे बदल रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, नए जनरेशन आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो धीरे धीरे ये बदलाव होगा और होना ही पड़ेगा। आगे एक बात बताई जा रही है कि संविधान जो बना, तो संविधान में ऐसे एक्ट जो है लिखे गए जो सरकार पे यह विशेष जिम्मेदारी डालती है कि समाज में जितने भी जो है निचले स्तर के लोग हैं, निचले जाति के लोग हैं, या फिर जो मुख्य धारा से अलग हटे हुए लोग हैं, तो सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कुछ ऐसा प्रयास करे जिससे वो फिर से मुख्य धारा में वापस आ जाए। जैसे जो दलित लोग हैं, महिला लड़कियों की स्थिति समाज में खराब हो गई पूर्वाग्रह के कारण, तो सरकार ऐसा काम करेगी कि महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, दलितों की स्थिति अच्छी हो। और सरकार ऐसा करती भी है, आप लोगों ने देखा होगा, आरक्षण दिया जाता है, फिर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल एक्ट लाए जाते हैं, कहीं कहीं राज्य सरकार महिलाओं को कुछ खास आरक्षण देती है, तो ये सब उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, अंत में दो जो है अलग अलग पंक्ति दी गई है, दोनों को पढ़ते हैं। पहला पंक्ति है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, भारत में कोई भी किसी भी धर्म का पालन बिल्कुल ही स्वेच्छा से कर सकता है, किसी को किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, यहाँ तक कि सबको कुछ ना कुछ छूट दी गई है ताकि वो अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाए रख सके। इंडियन कल्चर को मोजेइक कल्चर भी कहते हैं। मोजेइक एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, मान लीजिए पेंटिंग हुआ, पेंटिंग में क्या होता है, अलग अलग रंग से पेंटिंग बनता है, और उस पेंटिंग का महत्व तभी है जब उस अलग अलग रंग का भी अपना एक महत्व है। कहने का मतलब अनेक सारा रंग मिलके एक खास पेंटिंग का निर्माण करता है, एक खास छवि का निर्माण करता है। वैसे ही अपना देश भारत है, अलग अलग कल्चर धर्म संस्कृति के लोग मिलकर भारत के छवि का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए अंतिम जो वाक्य है यह है कि समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। ये भी सही बात है, समानता कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार संविधान में नियम बना दिया गया, एक बार छुआछूत की भावना हटा दी गई और फिर आप निश्चिंत हो जाइए। अगर ऐसा होगा फिर से आज न कल असमानता समाज में फैलेगी, क्योंकि जो लोगों का लेवल है वो आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि फिर समाज के कुछ वर्ग इतना पैसा कमा ले, इतना ऊपर चले जाए, फिर कुछ वर्ग इतने नीचे रह जाए। तो हमेशा से कोशिश करते रहना होगा कि एक ग्राफ जो है मेंटेन होके चले, ताकि ज़्यादा ऊंचाई नीचाई ना हो, फिर ज़्यादा फर्क ना हो लोगों में। समानता के लिए हमेशा से कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ सरकार को ही नहीं, हमें भी, देश के नागरिकों का भी यह कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो इस बात को ध्यान में रखे, इस काम को करे। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।